फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ अरीबा अनम एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं मिट्टी के बंद के पास। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ, और उस मिट्टी के बंद के पीछे दरियाए सिंध है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी चल के। तो अभी मैं आपको मिट्टी का बंद दिखाती हूँ। ये देखे गाइस, और ये बहुत सुंदर लगता है। ये देखे, चेक करें आप। तो फ्रेंड्स, इस बंद के पीछे दरियाए सिंध है, तो अभी वहीं हम लोग जा रहे हैं और मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, वहां पर लोग कश्ती बना रहे हैं। और गाइस, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, क्योंकि जितना हम लोग आगे जाते जा रहे हैं तो हवा यूं इस साइड पर है, तो बहुत ठंड लग रही है मुझे तो। हाय हाय। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी चल चुके हैं बंद के पास, और अभी आप लोग देख सकते हैं ये बंद कितना बड़ा है। असल में बेसिकली ये बंद इसलिए है क्योंकि इस साइड पर दरियाए सिंध है ना, तो जब भी मतलब बारिश आती है तो ये पानी सारा इधर आता है। तो ये इसलिए बना है ताकि ये आबादी के पास ना जा सके, इसलिए। तो अभी हम लोग चलते हैं और मैं आप लोगों को दरियाए सिंध भी दिखाऊँगी, इसलिए वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। गाइस, यहाँ पर तो बहुत हवा चल रही है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। तो फ्रेंड्स, अभी चलते हैं हम लोग नीचे दरिया के पास। फ्रेंड्स, मेरे बिल्कुल सामने सरसों का साग लगा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है सरसों का साग, और ये जो आपको दिख रहे हैं ना फ्लावर्स, इससे लोग सरसों का ऑयल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मेरे इस साइड पर वाटरमेलन्स हैं, तो मैं अभी आपको वो भी दिखा। ये अभी इतने बड़े नहीं हुए, लेकिन फिर भी इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये छापरे लगाई हैं। और फ्रेंड्स, ये हैं धनिया। देखें गाइस, कितने ज़्यादा धनिया हैं ये। यहाँ पर ज़्यादातर वेजिटेबल्स और फलों के यहाँ पर खेत हैं, बहुत ज़्यादा हैं इधर। तो फ्रेंड्स, हमारा हो चुका है पोपट, क्योंकि जो दरिया है ना, उसका जो पानी है बहुत दूर चला गया, मतलब पीछे चला गया है, तो इसलिए हम लोग पानी नहीं देख पाए, दरिया हम नहीं देख पाए, तो इसलिए वीडियो भी बहुत बड़ी बनी है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जाके सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।